नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे एलर्जी होने से खाना पीना क्या खाना नहीं खाना। आप लोग जो लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर किए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए। और जो नए बंधु जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल दबाने से सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। एलर्जी का जब भी प्रॉब्लम होता है तो अपन ये सोचना शुरू करते हैं, अरे ये क्या खाना है नहीं खाना है, ये लेके बड़ा परेशानी रहता है। उसमें एलर्जी के विभिन्न सिम्टम्स होने के बाद हम लोग शुरू कर देते हैं खाने में बात विचार करना, ये अच्छा अच्छा आज ये खाया था इसलिए एलर्जी हो गया। अब एलर्जी तो भिन्न तरह का होता है, किन्हीं को सर्दी आना, किसी को खांसी होना, छींक आना, सांस में तकलीफ होना, बदन में दापर दापर नोचनी होना, ये सारा डिफरेंट तरह का चीज़ होता है। तो पहले हम लोग ट्रायल एरर शुरू करते हैं अपने से, अपने स्तर पर जब करना शुरू करते हैं उसके बाद धीरे धीरे अपने घर के लोग सजेशन देना शुरू करते हैं, पाड़ा मोहल्ला के लोग, आस पड़ोस के लोग सजेशन देना शुरू करते हैं, अपने रिश्तेदार लोग सजेशन देना शुरू करते हैं, अच्छा ये मत खाओ, वो मत खाओ, मत खाओ। वो सब बात विचार करके भी अपन देखते हैं कि कुछ खाएं या नहीं खाएं फिर भी एलर्जी हो रहा है। उसके बाद कुछ सजेशन मिलता है कि नहीं चलो एलर्जी का टेस्ट करा लो। तो मार्केट में डिफरेंट अलग अलग तरह के लैब्स हैं, एलर्जी टेस्ट ब्लड से हो जाता है 2,500 रुपये से लेके 30-35 हज़ार रुपये तक में भी, अलग अलग प्रोफाइल होता है, जहाँ जिसका जैसा रेट है वैसा टेस्ट होता है, डिफरेंट तरह का प्रोफाइल। अपन ये करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करके ले आते हैं रिपोर्ट, बड़ा खुश होते हैं कि चलो इतना स्टेटस सिंबल है, इतना रुपए का टेस्ट करा लिया, ये रिपोर्ट आ गया, अब तो एलर्जी से छुटकारा हो जाएगा। तो अपन, हम लोगों का स्वाभाविक स्वभाव है जो अपरिचित चीज़ है उससे भागना। तो ये रिपोर्ट जब मिलता है हम लोग को, हम लोग देखते हैं शुरुआत का बहुत सारा नाम जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो बोटानिकल नेम्स या बायोलॉजिकल नेम्स रहता है, वो नाम समझ में ही नहीं आता, अपने पल्ले ही नहीं पड़ता है। तो नेचुरली ये स्वभाव इंसान का है कि जो अपरिचित चीज़ है या जो जो डिफ़िकल्ट लगने वाला चीज़ है उससे अपन पलायन करते हैं, भागते हैं। तो हम लोग भी उस नाम से भागना शुरू करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट के कुछ दूर आगे जाने के बाद हम लोगों को खाद्य पदार्थ का चीज़ देखने को मिलता है, जो हम लोग को बड़ा बड़ा स्वाभाविक, बड़ा नॉर्मल सा लगता है, बड़ा ईजी लगता है। तो हम लोग वो खाने पीने वाले चीज़ के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं और वो खाना पीना हम लोग छोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा ये देखते हैं कि खाना पीना जो भी अवॉइड करें, जो रिपोर्ट में आया या जो सजेशन में आया, वो सब के हिसाब से अपन खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर भी देखते हैं कि पहले जो एलर्जी हो रहा था अभी भी वही हो रहा है। जब तक कि बहुत सीवियर रिएक्टिविटी ऑफ एलर्जी नहीं हो तब तक खाना पीना अवॉइड करने से कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका वजह ये है क्योंकि एलर्जी तभी होगा जब नॉर्मल कोई सब्सटेंस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और हमारे शरीर के प्रति वो हाइपर सेंसिटिव होगा, तो वो हमारे लिए एलर्जी ना, हमारे शरीर को सूट नहीं कर रहा, हमारे शरीर उसके उसके खिलाफ एक एडवर्स रिएक्टिविटी दे रहा है, तो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। दो पद्धति, एक खाने पीने के माध्यम से, दूसरा सांस के माध्यम से। खाने पीने के माध्यम से जो प्रवेश करता है हम लोग शरीर में, वो सारे दिन में अगर नाश्ता, चाय, खाना, रात का खाना, स्नैक्स सारा मिला के अगर देखें तो 1 किलोग्राम से ज़्यादा हम लोग नहीं खाते हैं बनिस्पत। उसके अगेंस्ट में जब हम लोग देखें कि सांस अपन कितना लेते हैं, तो 24 घंटे में हम लोग सांस करीब करीब 10,000 लीटर सांस लेना छोड़ना कर देते हैं। तो नेचुरली 10,000 लीटर के जो प्रवेश कर रहा है वो भी एलर्जी कर रहा है, और जो खाने पीने के माध्यम से 1 किलोग्राम जा रहा है वो भी एलर्जी कर रहा है। तो खाने पीने के माध्यम से 1 किलोग्राम अगर एलर्जी कर रहा है उसको हम हटाते हैं, तो 10,000 लीटर के अगेंस्ट में एक तो क्या हुआ, 0.001% हमको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पॉइंट हम अवॉइडेंस भी 0.001% ही कर रहे हैं। सांस के साथ जो जा रहा है उसको तो हम रोक नहीं पा रहे, क्योंकि सांस के साथ भी बहुत तरह का चीज़ अंदर जाता है जो मैक्सिमम एलर्जी क्रिएट करता है। एयरबोन फैक्टर्स जैसे पोलन, फंजाई, डस्ट, इंसेक्ट, माइट्स, ये सारे चीज़ अंदर जाता है। तो 10,000 लीटर के ऊपर ही फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बने पर खाने पीने के तरफ उतना तवज्जो नहीं देने से भी चलेगा। अगर 10,000 लीटर को हम रोक पाएँ
वो रोकने का पद्धति तभी होगा जब हम पहचान कर पाएंगे, क्योंकि हवा को तो हम देख नहीं पा रहे कि हवा कौन कौन सा चीज़ हमारे शरीर में अंदर जा रहा है। तो उसके लिए मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है, चमड़े के ऊपर एलर्जी टेस्ट करके चिन्हित करना किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, ये जब पहचान हो जाएगा, ये मुखौटा जब हट जाएगा, तो अपने सामने क्लियर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किन किन चीज़ों से एलर्जी कितना परिमाण में हो रहा है। ये जब पहचान हो जाएगा तो इसके खिलाफ शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता पैदा करने के लिए उन सब चीज़ों के अगेंस्ट में एलर्जन एलर्जन एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी अगर वैक्सीन अपन बना के लेते हैं तो बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाएगा। दीवार अगर तगड़ा हो गया तो दुश्मन का इस पार आना संभव नहीं हो पाता है, वैसे ही एलर्जी का सोल्यूशन भी संभव है। इस तरह का परिसेवा अगर आप में से किन्हीं को अगर ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में एक जगह है एलर्जी अजमा सेंटर, यहाँ बैठता हूँ। आप ये परिसेवा पहले अपॉइंटमेंट लेके आके ले सकते हैं। ये ऑनलाइन या फ़ोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये परिसेवा देना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अजमा सेंटर की ओर से, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो बहुत सारे बंधु जो अनभिज्ञ हैं नहीं जानते हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी हासिल होगी।